नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो कनाडा एक इंटेक जाता है, उसके बाद अगला इंटेक की बारी आती है। तो स्टूडेंट के क्वेश्चन जो है वो आते हैं कि हमने डेफर किया था, हमारी पीपीआर कब आएगी, पीपीआर स्लो क्यों चल रही है, कब फास्ट होगी जाके। जनरली इंटेक के स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था। हो सकता है काफ़ी लोगों को लगे कि ये बात मैं पहले भी कर चुका, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज आपको मैं बताऊँगा एक आइडियल टाइम, एक आइडियल डेट, कब तक जनरली इंटेक के पीपीआर फास्ट हो सकते हैं। जी हाँ, पीपीआर फास्ट कब तक हो सकते हैं जनरली इंटेक के, क्योंकि मुझे हर लाइव शो में क्वेश्चन आ रहे बार बार। तो मैं इस वीडियो में ही आपको आंसर दे दूंगा कि कब तक का वेट आपको करना पड़ेगा, क्या सिचुएशन है जो प्रेजेंट। अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन के ऊपर जाते हैं तो क्या सिनेरियो रहते हैं, तो यहां पर अगर बात करते हैं, सबको पता है कि जनरली इंटेक ऑलमोस्ट खत्म है। जिसने पहली बार फाइल लगानी उसको तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो जनरली इंटेक अप्लाई करे अब, क्योंकि बायोमेट्रिक का स्लॉट अभी भी दिक्कत आ रही है। अगर जल्दी के स्लॉट आते हैं तो साइट डाउन हो जाती है, उसके बाद स्लॉट गायब हो जाते हैं। तो ये सिनेरियो कि आपको अब जल्दी का स्लॉट मिलना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। तो जो फ्रेश एप्लीकेशन है, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, गो फॉर मई इनटेक। मई इनटेक को लेकर भी जल्दी ही जो सीट्स वगैरह बननी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप मई इनटेक के लिए ही जाएं, नहीं तो खामखा आपको डेफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बायोमेट्रिक शायद दिसंबर या उसके बाद के मिले। अब बात आती है जो फाइल लग चुकी है, बायोमेट्रिक हो चुके हैं, उनकी जो पीपीआर है अभी ठीक ठाक स्पीड से आ रही है, बहुत इतनी ज़्यादा कोई स्पीड नहीं है। इसमें सितंबर के डेफर वाले केसेस भी हैं, इसमें जनवरी के डायरेक्ट लगे हुए केसेस भी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। बायोमेट्रिक हो चुके हैं, बायोमेट्रिक अपडेट भी हो चुके हैं, कईयों का तो मेडिकल भी अपडेट हो चुका है, आगे कोई अपडेट नहीं आ रही। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं कितना टाइम लगना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि देखिए, अभी जो है एक्चुअल में आप देखिए, आपको पता भी कुछ दिन पहले सितंबर खत्म हुआ है, सितंबर मंथ खत्म हुआ, तो मतलब सितंबर इंटेक की क्लासेस ताई ठाई के आसपास भी थी, तो मतलब सितंबर पे काम मेन प्राइम फोकस चल रहा था, जनवरी के रैंडम बेसिस के पीपीआर आते। अब देखिए, सितंबर का हाई कमीशन को पता है कि अब स्टोरी फिनिश हो चुकी है, जिनके रिजल्ट आए वो अपना प्लान कर चुके, जिनके नहीं आए अब वो तो क्लासेज या तो ऑनलाइन लगा रहे हैं या डेफर कर चुके हैं। तो इस सिनेरियो में, दोनों सिनेरियो में उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे अभी वो नहीं है कि फटाफट से जनवरी को खत्म करना है, अब वो थोड़ा सा आराम से रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे। अब साथ में जनवरी की एप्लीकेशन का भी रिजल्ट देना है, क्योंकि जनवरी का प्रेशर भी है कि आगे चल के बच्चों ने क्लासेज लगानी है, तो रिजल्ट आते रहेंगे। लेकिन पूरा अक्टूबर मंथ आपको कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं दिखेगी। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको लगे कि दुनिया जान की पीपीआर अक्टूबर मंथ में आनी स्टार्ट होगी। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, हाई कमीशन के वर्किंग पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं, तो कुछ प्रेडिक्शन हमारी सही होती। तो अक्टूबर मंथ में आपको पीपीआर आती रहेगी, ठीक ठाक स्पीड से आती रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं कह सकते कि फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आईआरसीसी के पास अदर प्रोग्राम भी है जिन पे भी उन्होंने स्टाफ को अपॉइंट किया है, जिसमें अफगान रिफ्यूजी वाला सिस्टम भी कट, हालांकि अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेसिंग की बात करते तो ऐसा बीच में होता है। तो अभी अक्टूबर के लिए बाकी जो कुछ प्रोग्राम है वहाँ पे दिख रहा है कि प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट हिली है, मतलब वो बिल्कुल रुके हुए थे, सो प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्टार्ट उस एंगल में हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की जो प्रोसेसिंग है चल रही है, डरने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर मंथ में आप ज़्यादा किसी से ना पूछे कि कब तक पीपीआर आएगी, पीपीआर नहीं आ रही, मैंने वेट करते हो गए, मैंने डेफर कर लिया है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में ठीक ठाक स्पीड से रहनी। अब पीपीआर फास्ट कब होनी है, मेरा मानना है नवंबर आते ही, नवंबर के आसपास, नवंबर हो सकता है एक वीक के बाद या नवंबर की स्टार्टिंग में ही आपको एक काफ़ी बड़ा चेंज दिखेगा पीपीआर की स्पीड में। अभी भी आपको काफ़ी वीडियो आ रही होगी कि पीपीआर फास्ट हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, आज 10 पीपीआर आ गई तो आज पीपीआर फास्ट है, कल अगर मेरी एक पीपीआर नहीं आई या दो पीपीआर आई तो मेरे लिए वो स्लो है, लेकिन ओवरऑल बाकी जगह पे पीपीआर आ रही होती तो रैंडम स्पेस पे है, तो स्पीड इतनी ज़्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है, कभी 50 आ गई, 100 आ गई, तो ऐसे चलता रहता है, बट बड़ा चेंज इसमें नहीं आना। वो आएगा नवंबर से, क्योंकि वो नवंबर में देखे आप देखेंगे कि जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट वो करेंगे, और आपको काफ़ी हद तक जो पीपीआर की स्पीड है वो नवंबर ऑनवर्ड जो है वो फास्ट देखेगी। तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस, अभी अक्टूबर स्टार्ट ही हुआ, आई नो सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पीपीआर आए, वीज़ा पेस्टिंग हो, चले जाए, हम टिकट करवा ले, बाद में टिकट महंगी हो जानी है, लेकिन इसका सलूशन नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आई नो पिछले साल से रख रहे हैं, उससे पहले बच्चों ने भी पेशेंस रखा, तो चैलेंज कोई ख़त्म नहीं हुई। हाँ,
लास्ट में मेरी एडवाइस ये है, रिजल्ट वाले तो वेट करें, कुछ किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है पूरा अक्टूबर मंथ, जस्ट वेट, प्रेयर करें कि आपका जो टाइमली किस्मत जाग जाए और जल्दी रिजल्ट आए, अदरवाइज आएंगे रिजल्ट काफी लोगों के। सो आप वेट एंड वॉच करें, और जो मई इनटेक जिन्होंने अप्लाई करना है वो अपने ऑफर पे काम शुरू कर लें। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, नए एप्लीकेंट को मैं रिकमेंड नहीं करता जनवरी, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी बायोमेट्रिक की। जो रिफ्यूज केसेस है वो जनवरी इनटेक के लिए बिल्कुल अप्लाई करें, क्योंकि आपका ऐसे नहीं तो गैप जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप जनवरी अप्लाई करें, अदरवाइज मई इनटेक आपका ऑलमोस्ट ओपन होकर क्लोज की तरफ जा रहा है। सो टाइमली आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सो फर्दर डिटेल चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन, स्पेशली जिन्होंने प्रोफाइल डिस्कस करना है, वो कॉल कर सकते हैं 9041090410। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।